पावर भी बताया था, टाटा पावर का आप खरीदारी का रेट बता सकते हैं, किस पे आपने खरीदारी की है? 419। जी बिल्कुल, तो अक्षय जी आपसे पूछूंगा, 419 पे इनकी खरीदारी है, करेंटली वहां पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 हफ्ते में देखे तो टाटा पावर ने एक अच्छा पुल बैक दिया था, लेकिन आज हम देख रहे कि काफी एक स्ट्रांग नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर क्या राय बन रही है? जी टाटा पावर में वीकली प्राइस स्ट्रक्चर देखूं तो एक टाइम करेक्शन चल रहा है, क्योंकि स्टॉक आप देखें तो गए शायद 2022-23 से एक तरफा चला था, तो एक टाइम करेक्शन वो फेज होता है जहां पे स्टॉक एक लंबे दायरे के लिए एक रेंज में सीमित रहता है। तो 400 जो है लोअर एंड ऑफ द बैंड है और ऊपरी तरफ करीबन 470 का रेजिस्टेंस है। एक टाइम करेक्शन है, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। बस आपको ये ट्रेड में काफी टाइम और देना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम करेक्शन शायद और 1.5-2 महीना चल सकता है। तो बने रहने की राय रखूंगा, आप निवेशक हो तो थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ा सा पेन रह सकता है स्टॉक में, बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म टारगेट का प्रोजेक्शन करूं तो 510 से 525 का टारगेट है। स्टॉप लॉस अगर आप ये ट्रेड में रखना चाहे तो वो करीबन बनेगा 370 का। तो होल्ड कीजिए, थोड़ा निवेश करने की राय रहेगी इसमें, और टाइम होराइजन शायद आपका 6 महीने के ऊपर एक्सटेंड हो सकता है टाटा पावर में फॉर द टारगेट्स जो मैंने अभी मेंशन करा है।